के मैदान के धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बाईस मरदान से देने का शहरी की रोड इस्तेमाल करें। मुल्क में मौसम पहाड़ी इलाकों में तबाही से सर्दी की बलोचिस्तान में सर्दी गर्दू में मंत्री के इलाके हरनाई शहरा जालदान के फायरिंग मजदूर को काम कर रहे थे। मंडे वबाद में अरकानीम और हीरे से मुजयन पुलिस वाला दो मोबाइल फोन ले उड़े। नाइन शॉर्ट गन और कलाश्निकोफ ले गए। उमर भर की जमा पूंजी जल गई। सब कुछ नहीं आ रहा। चमन शिद्दत गम से निहाल बच्चे के बलोचिस्तान को पेश। जिम्मेदार अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। बलोचिस्तान के अस्पताल इंतजामिया को गटरों के ढक्कन बंद करने की हिदायत। चूनिया और जमाइन में खास जखीरा करने वालों के शाम को कंगनपुर से खाद की 20,000 बोरियां बरामद। जहानिया से 2 करोड़ रुपए बाहर जा रही। केपीके में 77 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में मरने वालों की तादाद 9 हो गई। पेशावर में 50 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद से भी अब नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर हो गई। एक दिन में 4,313 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड। यूरोप में कोरोना लॉकडाउन नहीं के खिलाफ मुजहरे फूट पड़े। जमीन पर चढ़ाए दर्जन जख्मी। ऑस्ट्रेलिया इटली जर्मनी दीगर ममालिक में भी हजारों अफराद का एहतजाज जारी है। जारी सिख यात्रियों को खसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब से रसूमात कल इख्तिताम होगी। उठने लगी पुराने साल मुकाबले तश्वीश कर था। अदालती तहकीक का मुतालबा कर दिया। आर्टिकल 370 को खत्म करके जल्द माफी मांगेंगे। ईरान को भी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा ना हुआ तो फिर हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वसीम अकरम को अनफिट करार देने पर मुझ पर बड़ा दबाव डाला गया। वसीम अकरम जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसान है। उनकी बात कोई और होता तो मुकाबला नहीं कर सकता था। पीसीबी के साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर आसिफ खान का बड़ा इंकशाफ।